आप पानी मांगोगे तब मैं शराब दूंगी, आप चाय मांगोगे तब कॉफी दूंगी, आप पूरी मांगोगे तब मैं पराठे दूंगी। घुमा फिरा कर मत बोल, सीधी बात बोल, सब उल्टा करूंगी लेकिन तुम्हारी नहीं चलने दूंगी। नौकरानी, मालकिन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, गाँव जाना है। मालकिन, अगर तू छुट्टी चली गई तो तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, उनकी दवा दारू का कौन ध्यान रखेगा? नौकरानी, मालकिन आप कहे तो साहब को भी साथ ले जाऊं। एक आदमी और एक खूबसूरत महिला रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठे थे। आदमी सिगार पर सिगार पिया जा रहा था, जिससे महिला को परेशानी हो रही थी। महिला ने नाराज होते हुए कहा, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारे सिगार में जहर दे देती। आदमी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं उसे खुशी से पी जाता। संता का बेटा एक दिन स्कूल से जल्दी आ गया। संता, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटा, मैडम ने मच्छर मारने पर स्कूल से निकाल दिया। संता, मच्छर मारने की इतनी बड़ी सजा, चलते रहे स्कूल में? पूछता हूँ, सिर्फ एक मच्छर मारने पर स्कूल से कैसे निकाल दिया? बेटा, हाँ पापा, मच्छर मैडम के गाल पर बैठा था। जज, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? चोर, पता नहीं साहब, मैं तो सुबह सुबह शॉपिंग कर रहा था और हवलदार साहब मुझे गिरफ्तार करके ले गए। जज, अच्छा, लेकिन यह तो कोई गुनाह नहीं हुआ? चोर, हाँ मैं अभी तो कब से इन्हें यही समझा रहा हूँ। जज, आप सुबह के वक्त शॉपिंग कब कर रहे थे? चोर, दुकान खुलने से पहले। एक दिन संता अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। संता, ओ पप्पू की माँ, सुनती हो? बीवी, क्या? संता, जरा इधर आओ। बीवी, लो आ गई, अब बोलो। संता, ये दो तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी, क्यों? संता, अरे तू पकड़ तो सही यार। बीवी, ये लो पकड़ लिया। संता, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। संता, अच्छा, इसका मतलब कर्म दूसरी तार में है।